हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टडी करेंगे। चैप्टर के इनिशियली पार्ट में हमने देखा था कि कोई पॉइंट चार्ज के कारण, ये पॉइंट है और इस पर चार्ज क्यू है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके कारण ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ई इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ओके, बट अगर पॉइंट चार्ज पॉइंट फॉर्म में ना हो और किसी नॉन यूनिफॉर्म शेप में हो, अगर चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं हो और ये नॉन यूनिफॉर्म शेप में है, तो इस चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई कर सकते। ये फॉर्मूला केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही अप्लाई होगा, नॉन पॉइंट चार्जेस के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गॉस ने, उन्होंने एक लॉ दिया विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एग्जाम्स में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस लॉ। और गॉस लॉ के लिए हमें दो टॉपिक्स की स्टडी करनी होगी। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा टॉपिक है एरिया वेक्टर। हम फिजिक्स में नॉन पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड तो चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये सरफेस एरिया को हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं और इसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन उस सरफेस की नॉर्मल लेते हैं। कोई भी सरफेस लिया, जैसे ये सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसे हम बोलेंगे वेक्टर ऑफ दिस एरिया, डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया, तो उसे बोलेंगे हम एरिया वेक्टर। जैसे ये एक सरफेस है और ये एक रेगुलर सरफेस है, जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो इसकी सरफेस कितनी है एस। इस सरफेस के नॉर्मल हमने यूनिट वेक्टर ड्रॉ किया, तो सरफेस का मैग्नीट्यूड और सरफेस की डायरेक्शन क्या बन गया, सरफेस का वेक्टर, इसे हमने बोला एरिया वेक्टर। अब अगर कोई कर्व सरफेस हो, कोई रेगुलर सरफेस ना हो, यूनिफॉर्म सरफेस ना हो, कर्व सरफेस हो, नॉन यूनिफॉर्म सरफेस हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उस सरफेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देंगे। और उन एरियाज के, जैसे ये एक छोटा एरिया लिया, ये छोटा सा एरिया स्मॉल पार्ट है, इसको स्मॉल एलिमेंट बोलेंगे। कंप्लीट का पूरा एरिया कितना है इसका एस, तो स्मॉल एरिया को हम बोलेंगे डीएस। और इसके परपेंडिकुलर, इसके नॉर्मल वेक्टर जो डायरेक्शन बताएगा उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो इसके लिए एरिया वेक्टर क्या हुआ, डीएस वेक्टर। ये कांसेप्ट बहुत काम आता है, हम गॉस को आगे पढ़ेंगे, उसमें हर डेरिवेशन में ये कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो ये आपको आना चाहिए एरिया वेक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब किसी भी प्रकार के फ्लो से है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो। और फ्लक्स वेक्टर फील्ड्स की प्रॉपर्टी होती है, वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फील्ड है, क्योंकि दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, दोनों के पास डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के पास ही मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है। तो हम अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखिए, जैसे किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक एरिया को रखा, तो उस एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है। किसी, रिपीट कर रहा हूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने किसी एरिया को रखा, अब उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही हैं, वो उसी अमाउंट को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कैसे पास होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, नॉर्मली थ्रू द एरिया, ये एक कंडीशन है, और इस क्वांटिटी को हमने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्वांटिटी बनी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सरफेस के प्रोडक्ट के बराबर हुई। कैसे? जैसे आप देखिए, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो भी फ्लक्स ज्यादा लाइंस पास होगी, फ्लक्स ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा। तो हमने इसका फॉर्मूला बनाया, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सरफेस एरिया। ओके, इसके लिए ये तो फॉर्मूला बनता है नॉर्मल के लिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया या एरिया वेक्टर, आपको अभी पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया। लेकिन ये नॉर्मल पास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे। इधर देखिए, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो हो गया ई कॉस थीटा और ये वाला ई साइन थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सरफेस एरिया की नॉर्मल है? ई कॉस थीटा सरफेस एरिया की नॉर्मल है। तो हम ई कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कॉस थीटा कंपोनेंट और एस कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है तो फ्लक्स कितना बनेगा? ई कॉस थीटा विच इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस, तो फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस। वी कैन राइट ई एस कॉस थीटा। और हमें पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों के बीच में कॉस थीटा, तो कौन सा प्रोडक्ट आएगा? डॉट प्रोडक्ट। तो फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो ये एक्सटेंडेड फॉर्मूला बना ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये फॉर्मूला तब लगता है जब एरिया फ्लैट हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो हमें फॉर्मूले को डिफरेंट मेथड से निकालना होता है। ये इस रीजन को देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है और ये जो एरिया है वो थ्री डायमेंशनल है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इस एरिया को हम एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये एन इक्वल पार्ट में 1, 2, 3, इस तरह से आप इसको एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब इस स्मॉल एरिया के लिए हम ये लेंगे कि इस स्मॉल एरिया की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्स्टेंट है, और इस तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह अलग अलग है, अलग अलग मतलब नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए हर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग मानेंगे, हर रीजन के लिए एरिया अलग लेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग से लेंगे, इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, इसके लिए अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सब सारे पार्ट्स के लिए अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एड कर देंगे। तो हम इस सरफेस को एन इक्वल पीसेस में कट करेंगे। तो इस पीस का एरिया हम लेते हैं डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए थ्री, और ऐसे एन पीसेस करेंगे, सबका एरिया होगा डेल्टा ए एन। ओके, तो सबसे पहले हम सबके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एड कर देंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ई वन वेक्टर डॉट डेल ए वन वेक्टर प्लस ई टू वेक्टर डॉट डेल ए टू वेक्टर प्लस ई थ्री वेक्टर डॉट डेल ए थ्री वेक्टर। ऐसे करते करते एन एरिया तक का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एड कर देंगे। ओके, सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एड करेंगे तो सबका क्या लेंगे? समेशन, यानी लिखेंगे ई आई वेक्टर डॉट डेल ए आई वेक्टर, और स्टार्टिंग में कौन सा था? वन, लास्ट में है एन, तो वन से लेकर एन तक सभी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एड कर देंगे। ओके, अगर ये जो एरिया हमने डिवाइड किया है ये बहुत स्मॉल हो, टेंस टू जीरो हो, तो हम इस समेशन फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये समेशन फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ई वेक्टर डेल ए आई के जगह लिख देंगे डी ए वेक्टर। हमारे पास फाइनल आंसर आया, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू
इंटीग्रल ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल करना अलोंग अ क्लोज सरफेस। नेक्स्ट मिरेकल, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्क्वायर सरफेस विद साइड लेंथ ऑफ 2 मीटर। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 3000 न्यूटन पर कूलम, assume the surface is at a 60 degree angle with respect to field lines. Okay. तो यहाँ पे दो बातें आपको ध्यान दीजिएगा। 300 न्यूटन पर कूलम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और स्क्वायर की साइड लेंथ कितनी है? 2 मीटर। तो सरफेस भी कैसा है? फ्लैट। तो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला लेना होगा वो कैसा लेना होगा? ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके। और हमें पता है दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो यहां पे देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म, ये एरिया वेक्टर ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाया? 60 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें अब फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू कितनी है? 3000। ओके। एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना है? लेंथ कितनी है? 2। तो एरिया कितना हो जाएगा? 4। और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, 3000 × 4 × 1/2, तो हमारे पास कितना आया फ्लक्स? 6000 N/C × m² इज द यूनिट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन भी देखिए, और एक पॉइंट और, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, इसकी डायमेंशन देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम है। न्यूटन में क्या होता है? फोर्स। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 t-2, मीटर स्क्वायर की डायमेंशन L2, और कूलम चार्ज होता है, थ्री डायमेंशन, करंट इनटू टाइम, एम्पीयर इनटू टाइम। m1 L3 t, ये वन ऊपर आएगा, -1 t-3, m1 L1 t-3 a-1, ये बनी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मिरेकल देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स ड्यू टू ए चार्ज इनसाइड द क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर आर एज शोन। ईएक्स इक्वल्स टू अल्फा एक्स, वेयर अल्फा इक्वल्स टू 500 न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर। ईवाई इक्वल्स 0, ईजेड इक्वल्स 0, एंड दिस इज द फॉलोइंग डायग्राम। कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। तो इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और आपको दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में अल्फा एक्स है, वाई डायरेक्शन में 0 है, जेड डायरेक्शन में 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में नहीं है, जेड डायरेक्शन में भी नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से फेसेस से पास होगा? इस फेसेस से तो होगा नहीं, ठीक है, इन वाले दो फेस से नहीं होगा। ये एक फेस और ये एक फेस, ये दो फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा। तो फ्लक्स किनके कारण जनरेट होगा? ये फेस और ये फेस, दो। कितने फेस होते हैं? 6। 6 में से दो फेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो हमें केवल दो फेसेस को कंसीडर करना है। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट सरफेस के पास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट सरफेस, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है, जो अपन को न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, अल्फा इंटू एक्स। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू कितनी है? 500। और x की वैल्यू कितनी है अपने पास? यहां से लेकर यहां तक x कितना है? 0.1।
एट फर्स्ट सरफेस कितना हुआ 15 न्यूटन पर कूलम, अल्फा की जगह 500, एक्स की जगह 0.1 रखा, क्योंकि इसकी डिस्टेंस एक्स में कितनी है 0.1। ओके नेक्स्ट देखो, सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ये डिस्टेंस से बदल रहा है, एक्स डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू अलग है और 2x इस डिस्टेंस पर इसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, e अल्फा x e 2 इक्वल्स टू अल्फा है 500 और x कितना हो जाएगा 0.1 यहां तक और 0.1 यहां तक कितना हो जाएगा 0.2। सो ये अपने पास हो जाएगा 100 न्यूटन पर कूलम। ओके 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सरफेस के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड सरफेस के लिए। ओके अब हम चेक कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा और सेकंड सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस एस है और इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर, ये सरफेस ऐसे है ना क्यूब, ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, कितना एंगल बनेगा 180 डिग्री। यहां पे लिखेंगे फाइव वन इक्वल्स टू ई ए कॉस 180 डिग्री, तो फाइव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है फर्स्ट के लिए 50, एरिया कितना है स्क्वायर है और एक साइड कितनी है 0.1, तो 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 cos 180 माइनस 1, तो ये अपने पास आया 50 इंटू 10 टेंस टू माइनस 2 और वो भी माइनस, और यूनिट क्या आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट सरफेस। अब फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड सरफेस देखिए, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा एस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो सेकेंड सरफेस के लिए दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो 5 सेकंड इक्वल्स टू ई ए कॉस 0 डिग्री, ई कितना है 100, एरिया कितना है 10 टेंस टू माइनस 2 मीटर, ओके और कॉस 0 कितना है 1, तो ये कितना आया अपने पास 100 इंटू 10 टेंस टू माइनस 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमें अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो कैलकुलेट करना है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 51 प्लस 52, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, आपको टोटल के लिए जोड़ना होगा, तो 100 माइनस 50 कितना हुआ 50, 10 टेंस टू माइनस 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, प्लस 100 माइनस 50 प्लस 50, दिस इज द आंसर।